सोलन भाजपा कार्यालय में जिला की नवगठित कार्यकारिणी के लिए परिचय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष बैद्य ने की। वहीं इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल, खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया, भाजपा नेता राजेश कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहे। सोलन भाजपा कार्यालय में जिला की नवगठित कार्यकारिणी के लिए परिचय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष बैद ने की। वहीं इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल, खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया, भाजपा नेता राजेश कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहे। ये जिला अध्यक्ष की सोलन में नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक थी, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और भविष्य में भाजपा संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष बैद ने कहा कि आज कार्यकारिणी की पहली बैठक सोलन भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श कर रणनीति तैयार की गई कि संगठन को जिला में कैसे मजबूत करना है। और ये भी बताया गया कि केंद्र और प्रदेश में चल रही विकासात्मक योजनाओं और उनकी उपलब्धियों को घर घर तक कैसे पहुँचाना है। उन्होंने बताया कि जिला सोलन में भाजपा निकट भविष्य में होने वाले नगर परिषद और बीडीसी के चुनावों में किस तरह जीत हासिल की जा सकती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। आज भारतीय जनता पार्टी जिला सोलन की पहली बैठक सोलन मंडल में पार्टी कार्यालय में हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का नेतृत्व मार्गदर्शन यहाँ पर मिला। भारतीय जनता पार्टी सोलन जिला की इस पहली बैठक में आगामी कार्यक्रम और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो कार्य प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी नीतियां हैं, प्रदेश सरकार के 2 साल जो विकास के हैं, उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक योजना बनाई गई। सीए पर जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने किए है, उसके निमित्त वृत्त और चर्चा, मंडलों में क्या क्या कार्यक्रम किए गए, एवं सबसे महत्वपूर्ण विषय जो भारतीय जनता पार्टी जिला सोलन की इस बैठक में जो जिसमें चर्चा हुई कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सोलन जिला की सभी नगर परिषदों में चुनाव जीते, सभी बीडीसी के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के हो, अधिकतर पंचायती राज संस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत के आए, इसको लेकर आगामी योजना बैठक में बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश से और देश से जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जिला सोलन को आएंगे, उसको किस प्रकार से नीचे तक बुनियादी कार्यकर्ताओं तक किस तरह उस कार्यक्रम को पहुंचाया जाए और कार्यक्रमों को किस तरह से गति दी जाए, इसको लेकर भी योजना बनाई गई।